रहा था कि कटरीना कैफ, जो कि पिछले 3 सालों से अपना बर्थडे नहीं मना रही थी, इस साल इसे धूमधाम से मनाने की तैयारी कर रही हैं, जिसके लिए वो एक ग्रैंड पार्टी भी प्लान करेंगी। लेकिन कैट्स ने रिसेंटली ये बात क्लियर की कि वो कोई पार्टी नहीं दे रही, एंड शी विल बी बिजी प्रमोटिंग हर फिल्म जिंदगी ना मिलेगी दोबारा। अनुष्का शर्मा टोरंटो में होने वाली अवार्ड्स नाइट को अटेंड करने चली तो गई, लेकिन वहां उन्हें उनके बॉयफ्रेंड रणवीर सिंह ने अकंपनी नहीं किया और इस फंक्शन में अनुष्का और रणवीर को साथ परफॉर्म करना था, लेकिन अनुष्का वेल प्रिपेयर्ड नहीं थी, जिस वजह से रणवीर के साथ थिरकने का मौका सोनाक्षी सिन्हा को मिला। शाहरुख खान की नी इंजरी की वजह से उन्हें डॉक्टर से स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले थे कि वो टोरंटो में होने वाले अवार्ड्स नाइट में परफॉर्म ना करें, लेकिन शाहरुख ने ऑर्गेनाइजर से परफॉर्मेंस का वादा किया था, जिस वजह से उन्होंने अपने इंजर्ड नी के साथ परफॉर्म किया। कहा जाता है कि सलमान खान प्रोड्यूसर साजिद नडियाडवाला से नाराज थे, क्योंकि वो अपनी फिल्मों में सलमान के बदले अक्षय कुमार को लीड रोल में कास्ट किया करते थे, और वांटेड की सक्सेस के बाद साजिद को सलमान की याद आई और उनकी फिल्म किक के लिए सलमान को अप्रोच किया। सलमान ने नाराज होकर एडिशनल 5 करोड़ रुपए डिमांड किए थे, लेकिन अब इन दोनों ने अपने डिफरेंसेस सॉर्ट आउट कर दिए हैं। महिमा चौधरी अपनी शादी के बाद लाइमलाइट से जैसे दूर हो गई थी, लेकिन अब महिमा बॉलीवुड में अपना कमबैक करेंगी फिल्म मुंबई से, जिसमें उनके को स्टार्स होंगे ओम पुरी, संजय कपूर और आर्या बब्बर।